और अभी किसान ही सीएनजी तैयार करेंगे गांव में, और हाइड्रोजन और सीएनजी किसानों ने तैयार करना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास है। 400 लगभग हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज शुरू होने वाली है और 60 का प्रोडक्शन शुरू हो गया, और ये नागपुर में लगता है इतना सीएनजी तो हमें सप्लाई करेंगे। एलएनजी भी यहाँ है, तो गैस इकोनॉमी के तरफ जाना और डीजल और पेट्रोल को ख़त्म करना, तो ये मैंने जब सबको कहा था, मालिकों को आएंगे तो मेरे साथ, नहीं आएंगे तो आपके बिना, आपको घसीटते हुए लेके जाने का काम मैं करने वाला हूँ। आनंद महेंद्र बींग माई गुड फ्रेंड, उनको मैंने एक बार बहुत अच्छा जोक हुआ कि मैंने उनको कहा कि तुम्हारे जीप के साथ, हम जब पहले वो जीप लेते थे उसके लिए वेटिंग लिस्ट होती थी, तो तुम एक अमृतांजन की बोतल भी देते जाओ, इतने धक्के लगते थे। तो उनको मैंने कहा कि तुम कॉस्ट सेंट्रिक मत बनो, क्वालिटी सेंट्रिक बनो, और टाटा और महेंद्र को मैंने बहुत डांट पिलाई इसके लिए। अब मुझे खुशी है कि आनंद ने मुझे फोन करके बताया कि इटली में उन्होंने एक डिजाइनिंग कंपनी खरीदी की और थार का और एसयूवी का डिजाइन किया, अब उसकी वेटिंग लिस्ट है। टाटा ने भी अपने प्रोडक्ट सुधार दिए, और मुझे बहुत खुशी हुई कि एक फॉरेन कंपनी का 5% शेयर कम हुआ और टाटा का बढ़ा। तो बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप जो स्किल डेवलप कर रहे हैं वो नेचुरली आने वाली जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी उसके लिए करिए। वैसे पुराने डीजल के ट्रैक्टर है उनको सीएनजी पे भी कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो भी आपने सीएनजी का ट्रैक्टर अब बनाया, हमारे एग्रोविजन में आपका था, तो डीजल के बजाय सीएनजी पर जाते हैं तो साल भर में करीब 70-80 हज़ार रुपये की बचत पक्की होती है। अब सीएनजी के 6,500 पंप खुले हैं हमारी महानगर पालिका में, 250 बसेस हमने डीजल की सीएनजी पर कन्वर्ट किया है, और जब बसेस कन्वर्ट की तो ड्राइवर लोगों ने बसेस पर पत्थर मारे, क्योंकि हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट के पूरे देश के मेरे अंडर है, और उनकी एक विशेषता है कि पूरे बसेस में देश भर हॉर्न बजकर सब बजता है, और कंडक्टर ड्राइवर नहीं चाहते कि डीजल बदले, क्योंकि फुक फुक कर डीजल निकालने में भी एक नई इकोनॉमी है। तो सरकारी गाड़ियों में डीजल की गाड़ियां जो होती है उसके ड्राइवर ट्रेन होते हैं, वो डीजल कैसे निकालना और सस्ते में बेचना। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अब ये किया है कि 15 साल की जिनकी गाड़ियां हैं वो स्क्रैप करें और बाकी सब गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में, प्रिफरेबली अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में ले। तो बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी गवर्नमेंट में आ रही है, और हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी बनाई है कि 15 साल का जो व्हीकल होगा उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। तो उसके कारण भी एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, प्लास्टिक, इसका रिसाइकलिंग होगा और सर्कुलेशन इकोनॉमी काफ़ी रोजगार तैयार करेगी। मुझे बहुत खुशी है कि विदर्भ में हमारा एमआरओ है। मैं देशपांडे जी का अनुरोध करूंगा कि एमआरओ में अभी मैं जब ऊपर से देखता हूं तो 10-10 हवाई जहाज लाइन में खड़े हैं, एयर इंडिया का और इसका, उसके दोनों के साथ मिलकर वो भी स्किल डेवलपमेंट का आप करिए। यहाँ चतुर्वेदी जी के कॉलेज में एविएशन इंजीनियरिंग है, तो हमारे लड़के बड़े प्रमाण पर इनको रोजगार मिलेगा। और दूसरा जो अभी डोसाल्ट है, राफेल जहाँ बन रहा है, उसमें उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि इस साल दिसंबर तक वो फाल्कन 13 सीटर नागपुर में बनाएंगे। अभी एक 10-15 दिन पहले ही मैं फाल्कन जेट से प्रवास करने का सौभाग्य मुझे मिला, एयरटेल कंपनी के मालिक है, उनका प्राइवेट जेट था और बहुत अच्छा है। और एम्ब्रिल और फाल्कन ये दोनों स्मॉल साइज में भी काफ़ी है, और बीच में मैंने डोसाल्ट के सीईओ मुझे मिलने के लिए आए थे फ्रांस से, तो उनको कहा कि इसको फ्लोट लगाओ ताकि एमपीबीएस सी प्लेन करके भी उसका उपयोग हो सकता है। तो आने वाले समय में जो हमारे यहाँ की डेवलपमेंट है, इसमें जिस प्रकार की मैन पावर लगेगी उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और इंडस्ट्रीज के बीच में अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन बनेगा तो मुझे लगता है कि बहुत रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ जो टाल की कंपनी है टाटा की, जो मिहान में है, वो एयरबस और बोइंग की 1200 पार्ट्स तैयार करती है।
तो नेचुरली ट्रैक्टर में भी अभी नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो स्वाभाविक रूप से नए टेक्नोलॉजी को फैमिलर होने वाली स्किल्ड मैन पावर ये हमारी आवश्यकता है। हमारे दो तीन इंजीनियरिंग कॉलेज टूसाल के साथ भी काम कर रहे हैं, तो जो कुछ यहाँ डेवलपमेंट होगी उसमें हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। वी हैव 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अब LIT भी काफ़ी शुरू हो गई, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ इंडस्ट्री आ रही है तो मुझे लगता है कि काफ़ी रोजगार की संभावना है। तो एग्जैक्टली कौन से स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज शुरू करने चाहिए इसका आप जरूर सोचिए। दूसरी बात, मैं हूँ इन्वेस्टमेंट कंपनी का चेयरमैन हूँ कमेटी का, और ये डिफेंस वालों का जो डिसइन्वेस्टमेंट करके जो मॉडल तैयार हुआ वो करने का सौभाग्य मुझे मिला, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी मेरे कमेटी में थी, काफ़ी इस पर विवाद हुआ था। तो ये जो सरकार में जो कंपनी ने बड़े बड़े यहाँ मशीन्स खरीदी करके रखे हैं, मुझे नहीं लगता 5-10% भी उसका उपयोग होगा। 100% है, अच्छी बात है। फिर तो अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो साइज बढ़ रहा है उसके स्पेयर पार्ट्स यहाँ अगर तैयार होंगे अभी हाइड्रोजन के लिए बाकी के लिए, तो यहाँ के मशीनरी का फुल यूटिलाइजेशन ये भी होगा, तो वो भी विकास के लिए हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो मुझे लगता है कि जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी विथ फ्यूचरिस्टिक विजन विथ एप्रोप्रिएट फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी फॉर द फ्यूचर, उसके आधार पर स्किल्ड मैन पावर, इसके लिए आप जरूर काम करिए। और अब डिफेंस में भी जो कंपनियां फॉर्मेशन हुई है उनको धीरे धीरे, यहाँ मैं बोलूँ तो कर्मचारी नाराज होंगे, उनको किसी को मत निकालिए पर काम करने के लिए लगाइए। फाइनेंशियल ऑडिट इज इम्पॉर्टेंट बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। तो यहाँ प्रोडक्ट नए नए तैयार करिए, प्रॉफिट कमाइए और प्रॉफिट में इनको इन्वॉल्व करिए। ये झंडे डंडे वाले बहुत है, मैं यहाँ का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन लीडर हूँ मुझे पूरा कहानी मालूम है। मैं टेक्सटाइल में था, 1.5 लाख कामगारों का लीडर हूँ, अभी मैंने छोड़ दिया और मैं इंटक का अध्यक्ष बन गया था महाराष्ट्र का, जबकि मैं BJP वाला था। तो हरिभवन नायक के जगह लोगों ने मुझे चुन कर दिया था, पर मैं बोलता हूँ पहले काम करो ईमानदारी से। और इसलिए सरकारी सिस्टम में भी प्रोडक्टिविटी, डिजाइनिंग, रिसर्च जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे देश के लिए उसका उपयोग होगा। और इसलिए डिफेंस एज ए इंडस्ट्री, स्किल्ड मैन पावर इन द लोकल एरिया एंड द बेस्ट टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड। और मैं बहुत बात एक दोहराता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। मेरा अनुरोध है कि हमारा नागपुर का आपका ये सेंटर वेल्थ भी क्रिएट करेगा और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।